निवेदन करके आपको ना बुलाते, हमारा विकास नहीं हुआ है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया कि हमारी आवाज़ को मुल्क में पहुँचाओ, मुल्क के पिछड़े लोगों में पहुँचाओ, ताकि वो मुत्तहिद और मजबूत होकर अपने हकूकों को मांगें। क्या सर आपको लगता है कि पहले मुसलमानों को टारगेट बनाया गया था, फिर दलितों को बनाया गया, अब क्या बैकवर्ड की बारी है इस समय, तो इसलिए आपने एक संगठन तैयार किया है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुल्क में मुट्ठी सुनिए सर, मुल्क में मुट्ठी भर लोग हैं जो कहीं मस्जिद में कोई गंदी चीज़ डाल दी और मंदिर में कोई कुछ डालकर फिसाद कराना चाहते, वो मुट्ठी भर लोग हैं। मैं ये मानता हूँ कि मुल्क में धर्म निरपेक्ष लोग ज़्यादा हैं, धर्म निरपेक्ष जिस रोज़ इकट्ठा हो जाएगा ये संप्रदायिक ताकतों का पता भी नहीं रहेगा। हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन शांति हो गई, अगर मुल्क में अमन शांति है तो हम हैं, अगर मुल्क नहीं तो हम भी नहीं। सर एट्रोसिटी भी बताएं, जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया अभी इस तारीख को, उस पर दो तारीख को भारत बंद हुआ, इस पर बताएं आप क्या कहेंगे? कौन सा वाला है? एट्रोसिटी वाला, दलित उत्पन्न वाला जो मामला है। मैंने अपने एजेंडे में अभी कहा ये बताने का रहे, मैंने सुनी मैंने अपने एजेंडे में अभी कहा कि जो पूर्व एक्ट है जी, जो पूर्व एक्ट है हम उसका समर्थन करते हैं, वही लागू रहना चाहिए।